नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। टीटीएसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट बेगूसराय ने महागठबंधन से चेरिया बरियारपुर विधायक एवं विधानसभा में राजद के सचेतक राजवंशी महतो के आवास के समक्ष सद्बुद्धि हवन यज्ञ किया। सूबे के नियोजित शिक्षक लंबे समय से राज्यकर्मी के दर्जा की मांग करते रहे हैं और महागठबंधन सरकार ने अपने घोषणा पत्र में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का वादा किया था। बिहार अध्यापक नियमावली 2023 के जरिए राज्यकर्मी के रूप में अध्यापकों की बहाली सरकार ने शुरू तो की, लेकिन पूर्व से कार्यरत शिक्षकों को परीक्षा की बाध्यता थोप दी गई, जिसको लेकर सूबे के शिक्षकों ने अपनी गहरी नाराजगी जताई। तब से बिना शर्त राज्यकर्मी के दर्जा की मांग शिक्षक उठाते रहे हैं। विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ हवन सह यज्ञ कार्यक्रम की पूर्णाहुति की गई और महागठबंधन सरकार के सद्बुद्धि का आह्वान किया गया। आज का यह कार्यक्रम जो है, जब से अप्रैल माह में बिहार विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 आई है, जिसमें 4.5 लाख जो पूर्व से स्थानीय निकाय में कार्यरत शिक्षक हैं, उनको परीक्षा के माध्यम से बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा देने के पश्चात राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात की, उसी के विरोध में हम लोगों ने बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लगातार संघर्षरत हैं और उसी संघर्ष के बदौलत आज यह हुआ है कि कल दिनांक 5 अगस्त को बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी, उनके नेतृत्व में महागठबंधन के विधायक दलों की बैठक हुई है और सभी दलों के नेताओं ने एक सुर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कहा कि बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देना होगा, जिस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहमति व्यक्त की है। उन्हीं बातों को लेकर के जब तक बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक हम महागठबंधन के जो विधायक हैं उनके निजी आवास पर विधानसभा क्षेत्र में जाकर हम हवन यज्ञ करेंगे, ताकि सरकार को इतनी सद्बुद्धि दे कि वो बिहार के विकास के लिए काम करें, शिक्षकों के विकास के लिए काम करें, बिहार के छात्रों के विकास के लिए काम करें और जो हमारी बाधा है राज्यकर्मी का दर्जा, वे हमें दे करके बिहार के चतुर्दिक विकास में बिहार के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को भी शामिल करें।